सुबह सुबह बारिश, ठंडा ठंडा मौसम, मेरे सारे शूज गीले हो गए यार। कितना कैंड हो सारे आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अभी यहाँ से सारा सामान खा रहे हैं, सारा सामान गिरा हुआ है। और मेरा 21 डेज का चैलेंज भी कंप्लीट हो गया योगा का। ये इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी कि मुझे ना स्टार्टिंग में लग रहा था कि मैं एक मिस तो कर ही दूंगी देखना, बट एक दिन भी मिस नहीं हुआ। एक जिस दिन हाफ डे हुआ था है ना, मैंने शाम को वो कंप्लीट किया था, वो एक्स्ट्रा हो गया। तो फिर मेरे को ये रोज 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 करना है, बस देखते हैं आगे मैं कैसे इसको करती हूँ कंटिन्यू, पर मुझे करना है कंटिन्यू, ये मुझे बहुत पसंद है। और इसी को भी करवाऊंगी, चाहे काम कोई भी हो, कुछ भी हम कर रहे हो, पर आपकी ये डाइट ये नहीं टूटने देनी ना। मैंने अपनी देखो, मैंने ज्यादा लिया है, ऋषिका देखो कितना कम लिया। अब तो आदत हो गई कुकम्बर का, घी का नहीं पीना, मैंने घी का नहीं पिया जाता, कुकम्बर का ठीक रहता है। जब मैंने इतना बड़ा काम किया तब भी शॉट लिया, जब खुद सरी ने पर्दा लगाया, सरी कहती रही ए शॉट ले लो, शॉट ले लो, मैं शॉट ही लिया। मेरी मेहनत मेहनत है, आपकी मेहनत मेहनत है। अभी हम ये रूम रेडी हो जाएगा तो आपको सब कुछ दिखाएंगे। क्या रेडी हो जाएगा, एक बेड ही तो लगाना है, क्या रेडी हो जाएगा इसमें। अरे अंदर से दबा के रख तू, इट्स माय टर्न। अच्छा मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है, फिर मैं जाता हूँ बेड पे। अच्छा एक क्लेवर इंसान है। एक तो ये शॉट लेने के चक्कर में आधे काम 10 घंटे ले लेते हैं। अभी हमने रूम तो इधर उधर कर दिया, लेकिन जो मैं सोचना जो सोच के किया था अभी मैं उससे सेटिस्फाई हुआ नहीं हूँ। पता नहीं, बहुत लाइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइटिंग की बहुत, उसको बड़ा सेट करना बड़ा मुश्किल होता है। और ऊपर से क्या है कि अभी नेट पहले अंदर पड़ा हुआ था, यहाँ पे रखना पड़ेगा, हालांकि इसको यहाँ पे हैंग करवा देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रख दिया, क्योंकि उस रूम में वाईफाई नहीं जाता, और अगर मैं उस रूम में डेस्कटॉप यूज़ करूँगा देन मुझे एक अलग से डोंगल लेनी पड़ेगी जो वाईफाई को कैच करके डेस्कटॉप पे वाईफाई चलाएगी। ये भी इधर ऐसे कुछ इधर उधर पर रूम ही इधर उधर हुआ है, पर मज़ा नहीं आया। और आज बने हैं आलू बैंगन विद दही। एक शरीर रो रही है, किस दिन सब शादी से पहले कभी बर्तन नहीं मांजे थे, अब इसको बर्तन मांजने पड़ते हैं। है ना, यही बात। अरे मैंने तो इसको बोला है कि मैं मान लिया करूँगा। रो रही है ये अभी इस वक्त, इधर इधर तो कर, ये देख ये देखो, ओए ये शरीर से ये रो रही है। अरे कर, कितने साल हो गए, पहले पहले वो बोला लॉकडाउन लग गया, फिर दोबारा ये लॉकडाउन लग गया, कितने 2 साल हो गए सर, ये पेक के नहीं की। अरे तो इसलिए वो रो रही है, अपने घर वालों को मिस कर रही है। एक्चुअली सर इसलिए रो रही है, एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि ये रो रही है, एक्चुअली ये खुशी के आंसू है, ये भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है कि हाय इसको भगवान ने कितना अच्छा लड़का दिया है। एक्चुअली क्या है कि ये ना हमारी छुई मुई है, ये हमारी छुई मुई है, इससे ना मैं हल्का हल्का सा भी अगर ऊँची आवाज़ में बात कर दूँ ना तो ये रोने लग जाती है, तो अभी मैंने हल्की सी ऊँची आवाज़ में बात कर दी, वो यार थोड़ा सा पंजाबी टच आ गया था, पंजाबी टच आ गया था। तो ठीक है, तेरे साथ हिंदी बोलता हूँ ना तो फिर थोड़ा, फिर जब मैं पंजाबी बोलता हूँ फिर पंजाबी टच आ गया था थोड़ा सा, फिर क्या हो गया, इंजॉय भी तो हम इकट्ठे ही करते हैं, इतना इंजॉय करते हैं, फिर क्या हो गया है ना, हैं फिर क्या हो गया अभी है ना, इंजॉय भी तो हम इकट्ठे ही करते हैं है ना, कप भी तो इकट्ठे ही पाते हैं है ना। तू थर्ड क्लास प्रैंक भी तो तू मेरे ऊपर ही करती है, इतना थर्ड क्लास प्रैंक जो अच्छी तरह से कैप्चर भी नहीं किया तूने। हालांकि जो मैंने हेयर कट सरी को सजेस्ट किया था, मिक्स फीडबैक आई है, कुछ लोगों ने बोला करा लो, कुछ लोगों ने बोला नहीं कराओ, एक लड़के ने बोला, वो मुझे कमेंट सबसे अच्छा लगा, एक लड़का कहता है सरी दीदी हेयर स्टाइल मत करवाना, ऋषि भैया की दाढ़ी खराब होगी, वो आपको हवा दे रहे हैं ताकि आपकी कटिंग खराब हो जाए। ये हो सकता है, ये पक्का हो सकता है, एक वो साथ लेने के लिए। अरे हमारा ये देखो, एक ना ये भी सरी से टूट गया, ये देखो, ये देखो हल्की सी ये देखो, हल्की सी नहीं पूरी मुंडी, हाँ पूरा ये ऊपर से इसके तरेड़ आई है, ये अभी हमने फेविक्विक से जोड़ा है। फिर अभी यार अभी तक इसका गमला नहीं आया क्योंकि ऋषि फ्री नहीं हो पा रहे और हमें इकट्ठे लाना पड़ेगा,
और एक बहुत ही सैड न्यूज, ये देखो पता नहीं इसके लीव्स को क्या हो गया। फील सो बैड यार, ये इनको देख के ना, ये ग्रीन ग्रीन देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है, और ये देख के मुझे पहली बार ऐसा दुख लग रहा है कि हाँ इसको कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने इतनी वीडियोस देख डाली, अभी बस मैं जा रहे हैं। रियलिटी में होता क्या है कि जब ये लेने जाती है ना, वो ना इसका उल्लू बना देते हैं। नहीं। वो ये उनको, भैया ये इंडोर है, भैया ये इंडोर है, भैया ये इंडोर है, ओके गो बिक रहा है मेरा, आउटडोर को इंडोर कह के बेच देते हैं इसको। नहीं नहीं, ये प्लांट ऑल मेरे को पता है, ये एरिना पाम बोलते हैं इसको, तो वो ये इंडोर के लिए होता है, बट इसको सनलाइट चाहिए, बट फिल्टर्ड, मतलब की ऐसे डायरेक्ट नहीं चाहिए सनलाइट। रिच पीपल वी लिव ऑन अ पाम आइलैंड, हमारे जैसे लोग, वी हैव अ कौन सा पाम, एरिना पाम है मेरे ख्याल से। वी हैव एरिना पाम। नहीं यार कसम से मेरे को ना सच्ची, मैं भी बैठी थी, मुझे इतना दुख हो रहा है इसको देख के, मैंने पता नहीं 5-6 वीडियोस देख डाली हैं कि ये अभी ये इतना डैमेज नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है कि फटाफट इसको रिपोर्ट कर दो, है ना, रिपोर्टिंग करके ना ये ठीक हो जाएगा, और इसके ये जो भी ब्राउन ये येलो से लीव्स हो गए इनको कट कर दो तो ये ठीक हो जाएगा, और इसको सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट के लिए हम क्या करेंगे ना, हम इसको हफ्ते में एक दिन धूप में रख दिया करेंगे, और वो भी थोड़ा सर्टो सी धूप में, है ना। चलो प्लीज आपने करना, हाँ मैं ही करूँगी, ऑफकोर्स मैं ही करूँगी। बाकी बच्चों को तो दिखा दूँ, छोटे छोटे बच्चों को, ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसको मैंने पानी परफेक्ट दिया हुआ है, जो मुझे लग रहा है ये अच्छा चल रहा है। ये दोनों बहुत प्यारे चल रहे हैं, हाँ ये प्यारे चल रहे हैं, क्योंकि इनको सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा बस स्प्रे करती हूँ वाटर का। ऐसा नहीं कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, मैंने देख लो वो वाला चला रखा है, इसको एक्चुअली बड़ा पॉट चाहिए, इसको बड़ा पॉट चाहिए ताकि ये ठीक हो जाए। करते हैं कुछ। ये सारा घर सेट कर दिया मैंने, ये यहाँ से अब कब उठाओगे यार, मैंने नहीं इस रूम में रहना, मैंने उसी रूम में जाना, अब दोबारा ये इसको उधर लेके जाना है। मैं बैठ सकता भाई खोपचे में, ऐसे लगता है जैसे क्यूबिक्स में, क्यूबिक क्यूब में मैं बंद गया। मैं देखना ये रूम है थोड़ा ऐसा बंद बंद सा, मैं तो इसी में जाना है अब सारा, इधर टुक टुक करते रहेंगे, टुक टुक ही करते रहेंगे। अच्छा येलो सॉरी, देखो मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ, कितना शरीर ने डरा के रखा हुआ है मेरे को, मेरी मिंट में सॉरी निकल जाती है, देखा अच्छा, देखा आप सोच सकते हो, देखा। पर ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों में ना इक्वालिटी है बहुत ज्यादा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि ऋषि दबते यार मैं दबती, ये मत बोलो। नहीं ये बात तो सही है, हां ऐसा कुछ नहीं है, म्यूचुअली फाइट अ लॉट वी लाइक एक ही लेवल पे है, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा, क्या बोलूं, अनफॉलो कर उनको, किनको अनफॉलो कर, किनको अनफॉलो कर, किनको, इसने मुझे क्या किया है बता दूं, नहीं बताओ, नहीं। अच्छा मैं वैसे भी बता दूंगा, फिर मैं तो आपके पीछे से बता दूंगा, एडिटिंग में मेरी मर्जी है कि मैंने लगवाना नहीं लगवाना यार, ये अगर मैं चंदन को चॉकलेट देनी पड़ेगी। इसने पता क्या किया, इसने ना परसों चौथे ना फिर मेरे को रील्स, इसने ना परसों चौथे फिर मेरे को रील्स देखते पकड़ लिया। तो ना इसने ना गुस्से में आके ना इंस्टाग्राम पे जाके ना 10-12 लड़कों को फॉलो कर लिया। इसकी फॉलोइंग में जाके देखो, जानती जुनती है नहीं उनको, मेरे को आगे कहती गुस्से में आई, कहती थी फॉलो 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 फॉलो। मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने ना उनके प्रोफाइल देख के भी नहीं है। कुछ तो एक फनी बात बताऊं, एक तो वो है जिसकी लैंग्वेज नहीं समझ आती, मुझे कोई फॉरेनर है मतलब किसी स्पेनिश पता नहीं कहाँ का, मुझे ये भी नहीं पता कहाँ का, बहुत ही सुंदर था। पता नहीं कौन है वो, बड़ा सुंदर है। Oh my God. तो फिर आप देखते हो तो फिर मैंने वैसे एक बात तो है, जब से रील्स आई है ना इंस्टाग्राम का स्टैंडर्ड डाउन हो गया हुआ है, पहले इंस्टाग्राम का स्टैंडर्ड होता था कोई, है ना, इंस्टाग्राम
अब ट्विटर का स्टैंडर्ड है, इंस्टाग्राम ऐसे अब उसका स्टैंडर्ड ही डाउन हो गया हुआ वैसे, है ना, कुछ भी हो रहा है वहाँ पे। तो ये था कि अपना आज का व्लॉग सरी का सीक्रेट रिवील हुआ। वैसे जो भी सीक्रेट था ना, वो मुझे जो इसने किया ना, मुझे इतना प्यारा और इतना क्यूट लगा ना, क्योंकि उस वक्त जब ये मेरे पास आके कर रही थी ना फॉलो फॉलो फॉलो, इतनी कैंट लग रही थी ना। तो ये था अपना लड़का होगा, पहला लड़का होगा कि वो बोल रही कैंट लग रही, और नहीं वो मूवमेंट ऐसी थी यार उसमें का ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट इज द बिगेस्ट फैक्टर। इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि तुम भेज भी दो ना, कोई दूसरा तुम्हारे पार्टनर के आगे बारे में बोले ना कुछ, तो तुम्हें विश्वास ना हो, इतना ट्रस्ट होना चाहिए। और मुझे तेरे पे है सच में, सीरियसली वो तो मुझे पता तेरे को मेरे पे है। और रीले रूले देखना तो अलग बात हो जाती है। तो मैं ये था कि अपना आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले व्लॉग कुछ नवी खप लैके, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। अब देखो फाड़ फाड़ कैंट कैंट था करके व्लॉग आ रहे हैं।